प्रिय विद्यार्थियों, आर्य स्कूल छानीबड़ी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10 का 6.1 का पहला क्वेश्चन। देखो, पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन में हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो सारणी से मान देकर इस क्वेश्चन में लिखनी है। तो देखो कैसे लिखेंगे, cos 60 का मान क्या होगा इसमें, 5। cos 60 का मान देखो सारणी में क्या होता है, 1/2, और इसकी क्या है, स्क्वायर प्लस 4 का 4, sec स्क्वायर 30 है। तो पहले देखो sec 30 का मान क्या होता है, sec 30 का मान होता है 2/√3, और इसकी क्या आगे स्क्वायर है, माइनस 10 स्क्वायर 45। 10 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, और 1 क्या करेंगे हम स्क्वायर। अब देखो बाद में क्या है, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, ये स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस 30 का मान क्या होता है, कोस 30 का मान 1/2, कोस 30 का मान √3/2, और इसकी क्या आगे स्क्वायर। अब इसको आगे हल करना है, हल करें तो 5 का 5 × 1 का स्क्वायर करें तो 1, और 2 का स्क्वायर करें तो 4 + 4 × 2 का स्क्वायर करें तो 4, और √3 का स्क्वायर करें तो 3 − 1, अब आगे देखो 1/2 का स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3/2 × 4। अब आगे इसको हल करें तो 5/4 प्लस 4 × 16 √3 − 1। अब इसको आगे नीचे वाले को हल करें तो लघुत्तम क्या आएगा, 4, ऊपर वाला सेम होगा 3 और 1 = 4 × 4/4। अब देखो इसका लघुत्तम लेता हूं, 4 आ जाएगा, और ऊपर वाले को जोड़े तो 3 और 1 = 4, 4/4। अब देखो आगे 5/4 प्लस 16/3 − 1, 4 में 4 का भाग दे तो 1। अब देखो 1 में सभी का भाग दे तो संख्या सेम आएगी, 5/4 प्लस 16/3 − 1। अब देखो इनका लघुत्तम ले तो 4 × 3 = 12, 12 में 4 का भाग दे तो क्या आएगा, 3 और 3 को 5 से गुणा करें तो 15, प्लस 3 का भाग 12 में दे तो 4 आएगा, और 4 को ऊपर गुणा करें तो 16 × 64 माइनस नीचे क्या है लघुत्तम क्या दिया, 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12 ही। अब आगे देखो 15 में से 12 घटाने तो क्या बचेगा, 3 और 64, और 3 कितने हो जाएंगे, 67/12, ये आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। इसमें क्या रखना है, इन सब का मान रखना है, सारणी में देखकर ये मान रखने हैं, 4 cot स्क्वायर।
अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इन सब का मान रखना है और आंसर निकालना है। तो देखो 4 कोट स्क्वायर 45, कोट 45 का मान देखो पहले क्या होगा 1, और यहाँ पे कोट स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर 60। sec 60 का मान देखो पहले क्या होता है, sec 60 का मान होता है 2, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60। साइन 60 का मान क्या होता है रूट 3/2 की स्क्वायर प्लस कोस 90 का मान 0, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अब देखो एक की स्क्वायर करें तो एक और एक को 4 से गुणा कर दें तो 4 माइनस 2 दूनी 4 प्लस रूट 3 को 3 रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3/2 बस 0 को चाहे लिखो ना लिखो। अब देखो 4 ये देखो ये प्लस का 4 और ये माइनस का 4 दोनों कट गए तो बाकी क्या बचा, यहाँ पे क्या था सॉरी 2 × 4 क्या आएगा √3/4, ये आपका आंसर है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी हमें क्या करना है मान रखना है। तो देखो 4 कोट 30 का मान क्या होगा √3 की स्क्वायर प्लस 1/ साइन 30 का मान क्या होगा 1/2 की स्क्वायर माइनस कोस 45 का मान, इसमें देखो कोस 45 का मान 1/√2 की स्क्वायर। अब आगे इसको हल करें तो 4 का 4 और √3 का स्क्वायर करें तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस। अब देखो इसको हल करें तो क्या आएगा, पूरी को हल करें तो क्या ये 1/√2 की स्क्वायर। अब इसको हल करें तो 1 का स्क्वायर करें तो 1 और 2 की स्क्वायर करें तो 4 क्या हो जाएगा 1/√1/4, इसको ऊपर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा 4/1, यहाँ पे क्या लिख देंगे 4/1 माइनस 1 का स्क्वायर करें तो 1 और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा √1/2 हो गया। अब देखो इन सब का लघुत्तम ले तो 6, 3 का 6 में भाग दें तो 2 और 2 को ऊपर गुणा करें तो 8 प्लस 6 एकम 6 और 6 को ऊपर गुणा करें तो 6 × 4 = 24 माइनस 2 का 6 में भाग दें तो 3 ऊपर गुणा करें तो 3। अब इसको हल करें तो 8 में से 3 घटा दे तो 5 बचे और 5 24 में जोड़ देता हूँ 29/6 ये आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, इन सबका मान रखना है। इनका मान रखे तो क्या होगा 10√60 का मान क्या होता है, 10 का मान देखो क्या होता है 10√60 का मान है √3 और यहाँ क्या है स्क्वायर है प्लस साइन 45 का मान 1/√2 और स्क्वायर और आगे क्या है 4 प्लस साइन स्क्वायर 90, साइन 90 का मान क्या होता है 1 और 1 की स्क्वायर करें तो स्क्वायर 3 sec स्क्वायर 30, sec 30 का मान क्या होगा 2/√3 की स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर 60, cosec 60 का मान क्या होगा 2/√3 और यहाँ क्या है स्क्वायर माइनस cot 30 का मान, cot 30 का मान क्या होगा √3 की स्क्वायर है, ठीक है। अब आगे देखो इसको हल करें तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर करें तो 1 और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2, 4 गुणा 1/2 प्लस 1 की स्क्वायर करें तो 1। अब इसको हल करें तो 3
दो दूनी चार, तीन ती है, रूट तीन को रूट तीन से गुणा करेंगे तो तीन प्लस दो दूनी चार और रूट तीन को रूट तीन से गुणा करें तो तीन माइनस रूट तीन को रूट तीन से गुणा करें तो तीन। अब देखो इसमें क्या कट रहा है, इनको काटे तो क्या आएगा, दो को चार से काट दे तो दो और तीन को तीन से काट दिया तो बाकी क्या बचा हमारे पास, तीन और दो प्लस एक चार प्लस चार बटा तीन माइनस तीन, तीन दो पांच और एक छह। अब देखो चार में से तीन घटा दें तो एक प्लस चार बटा तीन। अब इसको हल करेंगे तो देखो कोई भी संख्या ऐसे प्लस में हो तो क्या लेते हैं, उसका न्यूनतम लेते हैं, या इसको ऐसे कर सकते हैं एक प्लस चार बटा तीन, इसका मतलब क्या होता है एक सही चार बटा तीन। अब इसको हल करते हैं तो कैसे हल करते हैं, तीन एकम तीन और चार सात बटा तीन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं छः बटा, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा सात बटा तीन, सात बटा तीन से लिख दिया। अब इसको उल्टा करें तो छः गुणा तीन बटा सात, तो इसको गुणा करें तो अठारह बटा सात, ये आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर नौ, क्वेश्चन नंबर नौ को हल करें तो इन सबका मान क्या होगा, टेन तीस का मान क्या होता है एक बटा दो माइनस साइन नब्बे का मान एक प्लस दो, कोस जीरो का मान क्या होगा, कोस जीरो का मान एक, अब देखो टेन तीस का मान एक बटा रूट तीन, टेन साठ का मान, टेन साठ का मान क्या होगा रूट तीन। अब देखो इसको हल करें तो दो को एक से गुणा करें तो दो ही आएगा और दो में एक जोड़ दें तो तीन, एक बटा दो माइनस ये प्लस का और ये प्लस का, ये क्या है माइनस का है तो ये इसमें से घटेगा, ये माइनस का है तो प्लस वाले इसमें घटेगा, तो घटाएं तो एक बचा किसका प्लस का, एक बटा दो प्लस एक, नीचे क्या बचा रूट तीन से रूट तीन काट दिया तो नीचे क्या बचेगा एक। अब देखो किसी भी संख्या में एक का भाग लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है नीचे वाला मानो चाहे ना मानो, ऊपर क्या है एक बटा दो प्लस एक। अब इसको हल करें तो एक बटा दो प्लस एक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हल करें तो क्या होगा दो एकम दो और एक तीन, तीन बटा दो, या फिर इसको लघुत्तम लेके हल कर सकते हैं, लघुत्तम ले तो दोनों का दो, ऊपर क्या है एक और नीचे क्या है लघुत्तम दो, इसके नीचे भी एक माने तो दो एकम दो और ऊपर गुणा करें दो का तो दो प्लस दो, दो और एक तीन बटा दो, ठीक है क्या यार तीन बटा दो, ये आंसर है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम करेंगे कल, धन्यवाद।